वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा. एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक आप तमाम लोगों के लिए खासकर डिज़ाइन किया है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, वालदैन के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है. आई थिंक कि जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जा रहा है, हम बीइंग अ पेरेंट मोर अवेयर होते चले जा रहे हैं, मोर वोकल होते चले जा रहे हैं. बहुत सारी चीज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एज़ कम्पेयर टू जो हमारे वालदैन थे उनके निस्बत बहुत बेहतर होती चली जा रही है. एक चीज़ जिसके बारे में मैं समझती हूँ कि बहुत खुलकर बात होना इन आवर सोसाइटी, इन आवर स्कूल्स बहुत ज़रूरी है, और वो है गुड टच और बैड टच बच्चों के हवाले से. खासकर पेरेंट्स इस हवाले से अपने बच्चों को कैसे एजुकेट कर सकते हैं, और खुदा ना हास्ता, अल्लाह ना करे, आई थिंक ये एक बहुत ही डरावना ख्वाब होगा किसी भी वालदैन के लिए कि अगर उनके बच्चे के साथ कोई इस तरह का इंसिडेंट आया हो तो उसको डील किस तरीके से करना है, बच्चे की नफसियात पर इसका क्या असर पड़ सकता है, और हमारे स्कूल में इस हवाले से क्या हो रहा है, क्या कुछ बच्चों को भी बताना चाहिए और किस एज से बच्चों को अवेयर करना चाहिए, ये सारी बातें आज हम जानेंगे. हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर बिस्मा एजाज, असिस्टेंट प्रोफेसर लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी. अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हमारे लिए टाइम निकाला. बहुत ज़रूरी है कि इस पर बात की जाए और पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को ख़ुद इसकी तरबियत दें, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है. मोस्टली बच्चों के हाथों में मोबाइल फ़ोन्स हैं, टीवी पे बगैर किसी सेंसर के हर चीज़ देखी चली जा रही है. स्कूल्स में हमारा कोविड का निज़ाम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो बच्चों को भी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. पेरेंट्स इस बात की अंडरस्टैंडिंग कब करें मेक श्योर कि हमने अपने बच्चों को अब गुड टच और बैड टच के हवाले से अवेयर करना है. लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल कि गुड टच और बैड टच का फ़र्क क्या है और कैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग है? डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इट्स अ वेरी मच नीडेड टॉपिक, बिकॉज आमतौर पे कुछ ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं या सेंसिटिव टॉपिक होते हैं जिस पे आम लोग बात करना जो है वो पसंद नहीं करते हैं, शर्मा के, हेजिटेट करके, या इस डर से कि वो एम्बेरसमेंट कॉज होगी. तो इट इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस ऑन इट, बिकॉज हमारे माशरे में जिस तरह से बेरारवि फैल रही है, या जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया का एक्सपोजर जो है वो बेजा होने की वजह से बच्चों की नफसियाती जो हेल्थ है उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ पे बात करना और इसके बारे में लोगों को, ख़ास तौर पे पेरेंट्स को और उन बच्चों को जो वल्नरेबल हैं, अवेयर करना बहुत ज़रूरी है. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि गुड टच और बैड टच होता क्या है, बेसिकली गुड टच एक वो कैटेगरी है टच की जिसमें एक बच्चा या कोई भी पर्सन सेफ महसूस करता है. वो टच माथे पे बोसा भी हो सकता है किसी बड़े की तरफ से, जिसमें माँ बाप, दादा दादी, ख़ानदान का कोई बहुत क्लोज्ड ट्रस्टवर्दी पर्सन, भाई या बहन हो सकता है. इसके अलावा कंधे पे दी जाने वाली शाबाशी के तौर पे जो आप पैट करते हो, दैट इज़ अ गुड टच, या जिसको हम बेयर हग कहते हैं कि किसी को आपने प्यार से हग कर लिया, इट इज़ द काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि गुड टच में शुमार होती हैं. एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग कि ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड वंस कर सकते हैं, या वो इंसान जो कि ट्रस्टवर्दी है, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं और एक्यूरेट ट्रस्ट करते हैं उसकी तरफ से है. कोई भी ऐसा बंदा जो ख़ानदान में है, जैसे चाचा, ताया, फूफा, मामू, दीज आर नॉट द ट्रस्टवर्दी पीपल और दीज आर नॉट द क्लोज्ड वन जिनको आप गुड टच में समझ सकते हो कि वो गुड टच की कैटेगरी का एक्टिविटी शो करेंगे. अब बात करें अगर बैड टच की, तो वो क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो टच जिसमें बच्चा या कोई भी पर्सन जिसको टच किया जा रहा है वो अनसेफ फील करता है, अनकम्फर्टेबल, बिकॉज हमें कुदरत की तरफ से एक इंस्टिंक्ट जो है वो दी जाती है, एक ऐसी ताकत दी जाती है जिसमें आप सेंस कर लेते हैं कि समथिंग इज़ बैड विच इज़ गोइंग ऑन. अगर आपको ऐसी फील होती है तो दैट इज़ डेफिनेटली अ बैड टच. और एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे टॉप पे आपके प्राइवेट पार्ट्स जो हैं, बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स जो हैं, या कोई भी विक्टिम जो है उसको टच किया जाए, दैट इज़ एन अनसेफ एंड अ डेफिनेटली वर्स टच. बैड भी नहीं कहूँगी, वर्स टच कहूँगी. इसके अलावा आपकी पर्सनल एक जो स्पेस है उसमें कोई इन्वेड कर रहा है और आपको आपकी मर्ज़ी के अगेंस्ट, आपके कॉन्सेंट के अगेंस्ट किसी भी बॉडी के हिस्से पे, चाहे वो प्राइवेट पार्ट्स हैं या नॉन प्राइवेट पार्ट्स हैं, उस पर टच कर रहा है, दैट इज़ अ बैड टच. So whenever you feel uncomfortable in any scenario by any person, it is a bad touch. And when you feel safe only with the closed ones, it is the good touch. अच्छा, बच्चों की जो ये सेंस है, ये आप क्या समझते हैं कि किस एज तक डेवलप हो जाती है? किस एज के बच्चे जो हैं
इस चीज़ को समझ पाते हैं या अनकंफर्टेबल बैड टच पे महसूस करते हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और आप यकीन नहीं करेंगे कि आम तौर पे 2, 2.5, 3 साल का बच्चा जो है वो भी बैड टच को फील कर सकता है। आप देखते होंगे कि बच्चे जो हैं वो क्रैंकी हो जाते हैं जब किसी स्ट्रेंजर को देखते हैं, वो अवॉइड करते हैं उसके पास जाना। आपका बच्चा किसी और की गोद में नहीं जाता, आपका बच्चा किसी और को वेलकम नहीं करता, उसको मुस्कुरा के नहीं देखता, बिकॉज दैट पर्सन इज़ नॉट अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन इन द आइज़ ऑफ दैट चाइल्ड, और वो कम्फर्टेबल फील नहीं करता। तो ये इंस्टिंक्टिवली जो है बाय नेचर उस एज में ही बच्चे में जो है वो एक कैपेसिटी होती है फील करने की, लेकिन इट्स वेरी यू नो फॉर अ ब्रीफ टाइम, बहुत थोड़ी देर के लिए या बहुत मिनिमम लेवल पे होती है। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि आप अपने 2 या 3 साल के बच्चे को ही गुड टच बैड टच की अवेयरनेस उसी एज में देना शुरू कर दें, बिकॉज एक होती है बच्चों की साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसमें क्या होता है कि बच्चा 2-3 साल का जो बच्चा होता है वो ऑलरेडी अपनी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, अपनी एज की डेवलपमेंट में ऐसी फेज से गुजरा होता है जहाँ पे वो अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होता है। जैसे आप देखते हो हम मदर्स हैं, हम अपने बच्चों को 2-3 साल की उम्र में ही टॉयलेट ट्रेन करना शुरू करते हैं, तो बच्चा जो उस वक्त बहुत अपने बारे में बड़ा पोजेसिव हो जाता है कि मुझे अनड्रेस्ट ना किया जाए किसी के सामने, मेरी शेम हो जाएगी, या मुझे किसी के सामने इस तरह से बात ना की जाए, वो बड़ा अपनी बॉडी के बारे में बड़ा पोजेसिव होता है। क्यों? क्योंकि यही एज है जिसमें बच्चे को एक जिसको है अवेयरनेस होनी शुरू रहती है, दिस इज़ माय डोमेन, दिस इज़ माय बॉडी, और वो बच्चा जो है वो बैड टच को उसमें महसूस करता है। तो माँ बाप को, स्पेसिफिकली मदर्स को, इवन फादर्स को भी 2-3 साल की उम्र से ही बच्चे को गुड टच बैड टच की अवेयरनेस देनी शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा, ये हम किस तरह से अपने बच्चों को कन्वे कर सकते हैं या किस तरह से हमने उनको बताना है कि यू नो अगर कोई स्ट्रेंजर है तो यू नो ही इज नॉट अलाउड टू टच यू, या आप स्कूल जाते हो, 3 साल का बच्चा इज स्कूल गोइंग, तो वहाँ पर भी टीचर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, यू नो स्कूल का स्टाफ है, तो बच्चों से किस तरीके से बात की जाए? क्योंकि यूजली पेरेंट्स 3-4 साल के बच्चे से इस बारे में बात नहीं करते, या दे डोंट नो कि हम किस तरीके से बात करें कि बच्चे के ज़हन पर भी यू नो बुरा असर ना पड़े इस गुफ्तगू को लेकर। अच्छा, उसमें ये है कि जैसे 2 साल तक का बच्चा या 2.5-3 साल तक का बच्चा जो है वो स्कूल गोइंग तो होता नहीं, पहली चीज़, तो वो उस घर में ही पल बढ़ रहा होता है। ठीक। लेकिन घर में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि विक्टिम बना सकते हैं उसको बैड टच का। तो बच्चा जो है वो जैसे ही थोड़ा सेंसिबल होता है, जैसे 1 ईयर का बच्चा जो है वो वॉक करना शुरू कर देता है, लेकिन इतना मेंटली कैपेबल नहीं होता कि उसको आप समझा सकें, बात समझता है बोल नहीं सकता, तो उस वक़्त ही मदर जो उनको बहुत प्यारे तरीके से उनको कन्वे करना चाहिए कि आपने किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाना, दरवाजे पे आपने अकेले नहीं जाना, या किसी और पर्सन को जिसको आप समझते हो कि वो आपका जानने वाला नहीं है उसका हाथ नहीं पकड़ना। ये छोटी छोटी बातें जो है वो 1-1.5 साल के बच्चे को आप प्यार से बचपने में, जैसे कहते हैं ना खेल कूद में, वैसे समझा सकते हैं। जैसे ही बच्चा मेंटली थोड़ा सा मैच्योर होता है, यानी टॉयलेट ट्रेनिंग वाली स्टेज में आता है, तब आप उसके साथ ऐसे बात करें जैसे आप एक थोड़े से ग्रोन अप बच्चे के साथ बात कर रहे हैं। आप उसको अवेयरनेस के लिए बुक्स भी ला के दे सकते हैं, कॉपीज़ ला के दे सकते हैं, जिसपे वो ड्रॉ कर सकता है कि वॉट हु इज़ द गुड पर्सन जिसके साथ मैं हो सकता हूँ, जिसपे आप ड्रॉ करें, वो अपनी मदर को ड्रॉ करे, फादर को ड्रॉ करे, अपने भाई को ड्रॉ करे, अपनी बहन को ड्रॉ करे, और माँ उसको समझाए कि दीज आर द पीपल जिसके साथ आप सेफ हैं, इनके साथ आपने जाना है जहाँ पे भी जाना है। नो अंकल, नो चाचा, फूफा, मामा, ताया, विदाउट एनी अदर पर्सन, यानी मदर हो, फादर हो, भाई हो या बहन हो, उसके बगैर नहीं, किसी मेड के साथ नहीं, किसी हाउस कीपर के साथ नहीं, किसी ड्राइवर के साथ नहीं, किसी गार्डनर के साथ नहीं, कोई भी पर्सन, that for that child is untrustworthy. ठीक। So this is a thing which is to be said by the mother and the father every single day to the child. कि बेटा आपने ये नहीं करना, because वो बच्चे जो होते हैं बड़े receptive होते हैं उस age में, और उनके दिमाग में वो बात बैठती है। तो 4-5 साल की एज में जब वो आते हैं तो they are well trained कि जब वो स्कूल में जाएंगे तो they have to take care of themselves if they are across any stranger. अब ऐसा क्या है जब स्कूल एज में बच्चे जाते हैं तो they are एट द यू नो बिगर लेवल के वो ज़्यादा विक्टमाइज हो सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इन द सुपरविजन ऑफ देयर पेरेंट्स 24/7। घर से बाहर है बच्चा तो स्कूल में कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो उसको विक्टम बना सकता है, लेकिन अगर बच्चा पहले से इस चीज़ के बारे में अवेयर है तो वो अपने लिए कोई ना कोई प्रोटेक्टिव मेजर ले सकता है। डॉक्टर बिस्पा, आपका क्या ख्याल है कि जो जैसा कि हमने बात की कि हमारी फैमिली में जो बहुत हमारे जो फर्स्ट रिलेशन नहीं होते हैं बच्चों के, उनके हवाले से बच्चों को यू नो पेरेंट्स समटाइम
सेम पेज पर नहीं होते हैं, या अगर मदर्स बताएं कि ये आपके चाचू हैं या आपके मामू हैं, इनके हवाले से भी अवेयरनेस बच्चों को दी जा सकती है, क्योंकि बड़ा नेगेटिवली आ जाता है घर के बड़ों की जानिब से कि इतने छोटे बच्चों को, ये तो बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं, तो आप शायद यू नो मदर्स को ब्लेम किया जाता है कि पॉइजन किया जा रहा है बच्चों को इतने प्यारे रिश्तों के हवाले से, तो आप इस पर क्या राय रखती हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस कल्चर से जिस सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं, हमारे लिए ये जो फैमिली मेंबर्स हैं एक्सटेंडेड फैमिली, उसको हम बहुत रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं, देखना भी चाहिए, लेकिन बच्चा आपका है, आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको ही उसको सेव करना है। हमारी ही सोसाइटी में ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर यही रिलेशनशिप्स जो हैं वो बच्चे को इंसेस्ट करते हैं, वही लोग हैं जो बच्चे को रेप करते हैं, तो ये भी तो यहाँ पे मौजूद हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मदर्स जो हैं वो किसी रिलेटिव के पास जाने ही ना दें बच्चों को, लेके जाएं, मिलवाएं, बिल्कुल मिलवाएं, लेकिन इन योर सुपरविजन, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप साथ हों वहाँ पे, आप फिजिकली प्रेजेंट हों। ठीक। अच्छा डॉक्टर बिस्मा, जब 8, 9, 10 साल की बच्चियाँ होती हैं तो यू नो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, वो प्रिंसेस रूम से अब वो कहते हैं कि नहीं मामा, अब हमें यू नो कोई कार्टूनिश चीज़ अपने रूम में नहीं चाहिए, अब हमें यू नो सटल कलर्स की तरफ जाना है, कज़न्स के साथ अट्रैक्शन बढ़ता है, बाहर की दुनिया यू नो बच्चियाँ बच्चे एक्सप्लोर करते हैं। ऐसे में बड़ा ट्रेंड है हमारे यहाँ कज़न्स के साथ, यू नो दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, फर्स्ट फैमिली मेम्बर्स हैं, पीजे पार्टीज़ होती हैं, ओवर नाइट स्टे होता है, अगर पेरेंट्स की तरफ से बहुत रिस्ट्रिक्शन भी की जाए तो बच्चे यू नो उनमें एक एंगर देखने को मिलता है। बिल्कुल। बच्चे आप क्या समझती हैं कि किस एज में इतने आप समझती हैं कि समझदार हो जाते हैं कि वो इस चीज़ को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी जो है वो बच्चे में और पेरेंट्स में जो है वो एक डिस्टेंस रखता है, तो बच्चा कब रेडी है कि आप कज़न्स के साथ फ्रीली यू नो अपने बच्चों को भेज सकें, या आप टोटली इसके अगेंस्ट है कि नहीं ये तो एक हेल्दी एक्टिविटी नहीं है या नहीं होना चाहिए? अच्छा, इसमें अगर हम अपनी बात करें ना, तो मेरा ख्याल है हम जिस एज से बिलोंग करते हैं और जिस ईरा से आए हैं, हमारे पेरेंट्स ने तो कभी अलाउ नहीं किया था गोइंग आउट विद फ्रेंड्स और स्टेइंग विद कज़न्स एट नाइट एट देयर प्लेस, तो मुझे तो लगता है कि वो हमारे साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं उनको आप ये नहीं कह सकते। स्टिल मैं यही कहूँगी कि 8, 9, 10 साल की जो बच्चियाँ होती हैं उनकी बड़ी एक डिफरेंट किस्म की लाइफ होती है, एंड दे ऑब्वियसली फैंटेसाइज के वो आपस में बैठेंगी और डॉल हाउस बनाएंगी एंड एवरीथिंग लाइक दैट, विच इज़ हेल्दी ऑल्सो, लेकिन नाइट स्टेज जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। आई डेफिनेटली स्टे राइट नाउ, नाइट स्टेज रात सोना होता है मतलब, और अगर बच्चा जो है कह रहा नहीं इंसिस्ट करे तो आपने रात को अगर बच्चे को इजाज़त भी दिया तो वो 2-3 बजे तक बैठ के खेल रही हैं, इट इज़ ऑब्वियसली अनहेल्दी फॉर देयर हेल्थ ऑल्सो। ठीक है, तो आप बच्चे के साथ कुछ जो है बारगेनिंग करते हैं कि इन द डे यू आर अलाउड टू गो विजिट प्ले, बट स्टिल आई वुड से किसी बड़े की सुपरविजन लाजमी होनी चाहिए, उसके बगैर नहीं। ठीक है, वो बड़ा भाई भी हो सकता है, बड़ी बहन भी हो सकती है, अगर मदर नहीं जा सकती है या उसको अपने घर के काम भी देखने, कोई ऐसा बड़ा बच्चा, कोई ऐसा बड़ा भाई बहन, कोई रिलेटिव ऐसा अपनी जैसे खाला हो गई एंड एवरीथिंग लाइक दैट, तो उनकी सुपरविजन के बगैर नहीं। ठीक, आपके घर भी बच्चे आते हैं तो यू शुड बी यू नो गिविंग टाइम टू देम एंड सिटिंग एट साइड एंड वॉचिंग वेरी केयरफुली के वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड, बिकॉज दिस इज़ द एज जिसमें बहुत एक वल्नरेबल एज होती है टूवर्ड्स गोइंग रिस्की बिहेवियर्स, तो आपको उसको अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं पेरेंटिंग जो है वो बड़ा आसान काम है, नॉट एट ऑल। पेरेंटिंग एज यू ग्रो ओल्डर, योर चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर, पेरेंटिंग बिकम्स टफर एंड टफर। सो पेरेंट्स हैं, बच्चे पैदा किए हैं तो उनकी जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी। अच्छा, अगर हम रिलीजियस थोड़ा सा रिलीजियसली स्टडी करें तो हमें थोड़ा सा यू नो डिफरेंट गाइडेंस मिलती है, अगर हम सोसाइटी के हवाले से देखें तो हमारी कुछ और नॉर्म्स हैं, अब इंसानी नफसियात जो है वो भी हमें कुछ और सिखाती है। बच्चों को यू नो स्पेशली जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो हमने देखा है कि वो पेरेंट्स के साथ ही होते हैं, व्हेन टू मेक श्योर कि बच्चों का जो बेडरूम है, क्योंकि हम वेस्ट में देखते हैं कि उनको फर्स्ट डे से ही उनको आइसोलेट किया जाता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप क्या कहती हैं कि बच्चों की जहन पे क्या असरात पड़ते हैं और कब, ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से बात करना और पेरेंट्स को इस हवाले से गाइड करना, एजुकेट करना, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कब उनको जो है उनका एक अलग बेडरूम होना चाहिए। अच्छा, अगर वेस्ट की बात करें तो वो तो वेरी फर्स्ट स्टेज, व्हेन द चाइल्ड इज़ बॉर्न ही हैज़ अ सेपरेट रूम, जिसको मैं पर्सनली इतना ज़्यादा इनक्रेज नहीं करती। ठीक, वो इसलिए कि इतना सा बच्चा जो है उसको तो अपना आप हैंडल भी नहीं करना आता, एंड गॉड फॉरबिड एनीथिंग बैड हैपन्स एट नाइट, ठीक, तो यू नो यू विल हैव टू रिग्रेट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ।
तो मेरा ख्याल है कि अगर आपका बच्चा है तो कम से कम उसको 6 से 8 महीने अपने ही बेडरूम में ठीक प्लेस करते हैं, लेकिन नॉट ऑन द बेड विद यू और योर स्पाउस, बिकॉज वो भी बच्चे के लिए डेंजरस है. मदर और फादर जो हैं, दे विल बी स्लीपी एट नाइट एंड अल्लाह ना करे तो करवट लेते हुए कोई डैमेज बच्चे को वो कॉज कर सकते हैं. आई गेस कि 6 से 7 महीने तक, जब तक बच्चा थोड़ा सा यू नो ग्रो नहीं हो जाता, तब तक आप अपने बेडरूम में उसका सेपरेट कॉट, उसका सेपरेट बेड जो है वो रखें और उसको मतलब हेल्प उसको अवेलेबल होनी चाहिए एट नाइट. इसके अलावा दिस कैन एक्सटेंड टू 1 and 1.5 years 2, लेकिन अगेन आई वुड से कि उसके बाद बच्चे का थोड़ा सा सेपरेट सिस्टम होना चाहिए जिसमें बच्चा जो उसको थोड़ा सा खुद भी इंडिपेंडेंस महसूस होनी शुरू हो और दूसरा ये कि वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट फील ना करे. अगर हमारी यहाँ पे कल्चर में बेसिकली क्या होता है, 10 साल का बच्चा भी जो है वो पेरेंट्स के साथ उनके कमरे में ही है, इवन 15 साल के बच्चे जो हैं वो भी पेरेंट्स के साथ एक ही कमरे में सो रहे हैं, विच इज़ वेरी 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 बैड. बिकॉज जैसे बच्चा जो है वो एज करता है, ग्रो करता है, उसकी मेंटल कैपेसिटीज़ भी ग्रो होती हैं एंड दे बिकम वेरी ऑब्जर्वेंट. एंड इन योर बेडरूम यू हैव ऑब्वियसली यू शुड हैव योर प्राइवेसी ऑल्सो. और बच्चा जो है अगर वो किसी भी ऐसी चीज़ को जो एक अनफॉर्चुनेट अननेसेसरी चीज़ है उसको वो यू नो विटनेस करे तो दिस इज़ वेरी बैड फॉर हिज मेंटल हेल्थ. अच्छा डॉक्टर, मैं यहाँ पे ये भी बताएगा कि बहन भाई जो हैं दे शेयर सेम रूम, ये भी सेपरेट होने चाहिए और किस एज से होने चाहिए, क्योंकि इसके बारे में हमारे जो इस्लामिक जो अहकामात हैं वो भी बहुत क्लियर हैं. बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बिल्कुल इसको एंडोर्स करती हूँ कि जो हमारे रिलीजन ने हमें बताया दैट इज़ द गुड एज. ठीक, जिस एज को उसको उन्होंने परफॉर्म किया, यानी जैसे ही बच्चा होश संभालता है, लड़का और लड़की, बहन और भाई शुड हैव बीन सेपरेटेड. ठीक, that is 100% you know endorsed. इस पर तो कोई किसी किस्म की डिस्कशन नहीं है, बिकॉज अगर रिलीजन ने कहा है तो उसके पीछे बहुत सी साइंटिफिक रीजन्स हैं जो हम यहाँ पे देखते हैं. अब अल्लाह माफ़ करे, हमारे कल्चर में तो शायद उसकी इतनी ज़्यादा रिपोर्टेड केसेस नहीं होते, लेकिन वेस्ट में आप देखते हो कि लड़का लड़की बहन भाई साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, साथ साथ एक ही रूम शेयर कर रहे हैं, तो दे कैन बी यू नो एंगेजिंग इन बैड एक्टिविटीज़ ऑल्सो with each of them, which is bad. आप उनको रूम प्रोवाइड करते हो, आप उनको स्पेस प्रोवाइड करते हो, अवेयरनेस नहीं देते हो, तो इट कैन हैपन. सो दिस शुड नॉट बी हियर इन एट लीस्ट मुस्लिम कंट्रीज एंड मुस्लिम फैमिली. ठीक है डॉक्टर बिस्मा, खुदा ना हास्ता, अल्लाह ना करे कि किसी भी वालदैन पर या किसी पर बच्चे पर इनकी ज़िंदगी में इस तरह का टाइम आए कि कोई बच्चा जो है वो अब्यूज़ का शिकार हुआ हो, उसके साइकोलॉजी पर कितना बैडली इफ़ेक्ट करता है वो इंसिडेंट फॉर द लाइफ टाइम. It's something which should be addressed. जहाँ पे भी मैं समझती हूँ बात इस पर हो कर सकते हैं, करनी चाहिए, because हमारे आसपास ऐसे केसेस हो रहे हैं, हमारे बच्चे इस वजह से फिजिकली एंड मेंटली डिटीरियोरेट हो रहे हैं, नो बडी इज़ बॉदरिंग अबाउट इट. बच्चे का सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि उसके साथ खुदा न खास्ता कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ तो ही उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल या क्लोज टू सेक्सुअल एक्टिविटी भी हुई है, यानी बैड टच भी हुआ है, तो भी उसका उसकी साइकी पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है, बिकॉज दैट पर्सन विल बी बिकमिंग एन एडल्ट जो कि ट्रस्ट करना छोड़ देगा किसी के ऊपर भी. सबसे पहला नुकसान. दूसरा ये कि वो किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आने में उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी. ही विल डेफिनेटली बी यू नो वेरी पैरानॉइड, और शक में आने वाली जो एक नेचर होती है वो बनना शुरू हो जाएगी. दूसरा, हमारी ख़ासतौर पे जो लड़कियां हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, बच्चियों की बात करूं, तो दे विल नॉट बी एबल टू डिवेलप एंड हैव अ गुड पर्सनल लाइफ इस इवेंट की वजह से. दे विल बी अफ्रेड ऑफ मैन फॉर द होल लाइफ, अफ्रेड ऑफ द मैन काइंड फॉर द होल लाइफ. दे विल नॉट बी एबल टू हैव अ हेल्दी फैमिली लाइफ जिसको हम कहते हैं. जब उनकी शादी की जाती है तो दे आर नॉट प्रोन टू डू दैट बिकॉज दे हैव ट्रामा ऑफ दैट एक्सपीरियंस. उनको वो चाइल्डहुड का जो एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो अब तक फेस करने पड़े हैं. उनकी काउंसलिंग नहीं की गई है, उनको वेंट आउट करने का मौका नहीं दिया गया, उनको सुना नहीं गया, और वो डर वाली लाइफ के साथ ही ग्रो करती जा रही है. तो आप खुद सोचो कि उनकी वो एक कैसा पर्सन बनेगी. Least amount of confidence level, least amount of self-esteem, they will start hating themselves. They will start blaming themselves. Ki this is all what happened because of me. Theek. So, unfortunately, that person will develop as a total mess. I would say. Achha, parents ko is baat ki awareness ho ki unke bachche ke saath ek incident hua hai, khuda na khasta again. To sabse pehle unko kya karna chahiye? पहली बात तो ये, बच्चे को जब हम अवेयरनेस करें ना बैड टच और गुड टच की, तो साथ ये भी अवेयरनेस दें कि इफ़ गॉड फॉरबिड इट हैपेंस व्हाट यू शुड डू. ये भी ज़रूरी है. अब वो क्या होना चाहिए,
सबसे पहले तो बच्चा जो है वो ऑब्जर्वर रहे, ऑब्जर्वेंट रहे अपनी सराउंडिंग्स के बारे में कि हु इज़ अप्रोचिंग, ट्राइंग टू अप्रोच और कमिंग क्लोज टू द बॉय और गर्ल. उस पर अगर उसको महसूस हो रहा है कि कुछ बैड होने वाला है तो गला फाड़ के चीखे. ठीक, बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना शाउट विद योर लंग्स, फिल्ड लंग्स, वो चीखे. क्राई फॉर हेल्प, ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दे, ट्राई वीपिंग. एक जिसको कहते हैं ना बिल्कुल शोर मचा दे. उससे यह होता है कि जो जो प्रेडेटर होता है ना, जो जो नुकसान पहुंचाने के लिए आता है, वो डर जाता है. यस, एंड टेल योर चाइल्ड कि जब भी आपको कोई, आपके बच्चे को कोई कहे, मतलब मैं अक्सर अपनी बेटी को ये बात कहती हूँ कि अगर कोई आपको ये बात कहे कि आपने ये अपनी मामा को नहीं बताना, तो आपने डेफिनेटली बताना है. यू नो, इन स्कूल गर्ल्स, बच्चियाँ भी, उन्होंने कभी एक दूसरे को बुली कर देना, कुछ भी हो जाना, कज़न ने कुछ कह देना कि मामा ये तो हमारा, मैंने कहा मामा से तो यू नो कोई भी सीक्रेट नहीं होता, और जब कोई मना करे तो यू हैव टू कम टू मी राइट अवे. सो ये फ्रैंकनेस, ये एजुकेशन मेरे ख्याल से कि बहुत अर्ली स्टेज पे आप अपने बच्चों को देना शुरू करें. और एक और चीज के बच्चों को कभी भी किसी के सामने अनड्रेस मत करें. यस, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में मैंने देखा है कि अक्सर यू नो पेरेंट्स इस चीज़ का ख्याल नहीं रख पाते, लेकिन आई थिंक ये बहुत बच्चे की नफ्सियात के लिए भी है कि अच्छी चीज़ नहीं है. बिल्कुल, आप सही कह रही हैं. तो ये शोर मचा देना ज़रूरी है. क्राई फॉर हेल्प, ठीक है, हमारे हेल्प, मदद चाहिए, मुझे दैट पर्सन इज़ अप्रोचिंग मी एंड ऑल दैट. और अगर फिर भी कोई ऐसी सिचुएशन भी होती है जहाँ पे द पर्सन इज़ इन आइसोलेटेड रूम और समथिंग लाइक दैट, और कोई सुनने वाला नहीं है, तो उस वक्त ये है कि बच्चा जो है वो डिफेंसिव मोड अपना ऑन रखे. क्योंकि आम तौर पे ऐसे माहौल में सबसे पहली जो स्टेप जो पर्सन या प्रेडेटर लेता है, वो ये कहता है बच्चे को कैंडी दे के या बिस्किट दे के, एनी थिंग ऑफ हिज यू नो पसंद की जो है, कि तुम मेरे साथ आओ. वहीं पर बच्चा शोर मचा दे के नो आई एम नॉट गोइंग टू कम. और बच्चे को जब आप ये बता देंगे कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना, तो वो पहले से ही एहतियात करेगा. नाउ द क्वेश्चन इज इफ़ देर इज़ अ विक्टिम ऑफ दिस सॉर्ट, तो क्या पेरेंट्स को क्या करना चाहिए. पेरेंट्स शुड हग देयर चाइल्ड एंड आस्क व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड यू. उनको सुने, जितना उनको सुनेंगे, जितना उनको वेंट आउट करने का मौका देंगे, उनके अंदर से ये गुबार निकलेगा. उनको ये बताएं कि दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट, ये आपका कसूर नहीं है. जो कुछ आपके साथ बेटा हुआ, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ यू, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द बैड गाय हु डिड दिस. इससे उस बच्चे का कॉन्फिडेंस रेज होगा, उसके अंदर जो एक एम्बेरसमेंट आनी शुरू हो जाती है, एक शाइनेस आनी शुरू हो जाती है, वो वहाँ पे ख़त्म होना शुरू हो जाएगी. और आप यकीन करें कि बच्चे के साथ माँ बाप की ये डीलिंग जो है वो इसको इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है, जो कि बच्चे के साथ वो उस नेगेटिव इफेक्ट जो उसके साथ हुआ होता है उसको नलिफाई करती है, और उसके अंदर मजीद एक स्ट्रेंथ जो है वो क्रिएट कर देती है. तो अल्टीमेटली यू आर एडिंग समथिंग पॉजिटिव इन द चाइल्ड इफ़ यू आर गिविंग टाइम एंड कंसर्न एंड केयर टू दैट चाइल्ड. उसको सुनने का मौका उसको देना चाहिए. अच्छा, जिन लोगों के साथ, जिन बच्चों के साथ ये हादसा हुआ होता है इन देयर चाइल्डहुड, वो सारी ज़िंदगी शायद इससे बाहर निकलना, आई थिंक बहुत मुश्किल होता होगा. इसमें से एक जो डिसऑर्डर है PTSD, वो भी उसका शिकार रहते हैं, और वो चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो उससे रिकवर नहीं कर पाते हैं. ऐसे लोग नॉर्मली अपनी लाइफ में सोशली भी, प्रोफेशनली भी ठीक होते हैं, सही ज़िंदगी लीड करते हैं, या उनको फ्लैशबैक उस इंसिडेंट के होते रहते हैं, और किस तरह से उनकी हेल्प की जा सकती है? PTSD ज़रूर होता है, और इनको ये ट्रॉमा जो है वो बहुत से ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे वो रिवाइव करते हैं, उसको रीलिव करते हैं, उसको दोबारा एक्सपीरियंस करते हैं, और वक्त के साथ साथ वो जो अंदर उनके ज़ख़म है वो गहरा होता जाता है. तो ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि बच्चे का जो सेवेरिटी लेवल है वो क्या है PTSD का, और उसको क्लिनिकल हेल्प की ज़रूरत है या नहीं है. अगर आपको लगता है कि बच्चा जो है वो आपकी काउंसलिंग से, यानी पेरेंट्स की हैंडलिंग से वो सही नहीं हो रहा, तो गो टूवर्ड्स अ साइकोलॉजिस्ट फॉर द मेंटल हेल्प फॉर द चाइल्ड, बिकॉज इट इज़ वेरी मच नीडेड. अगर आप इसमें डिले कर देंगे तो वो बच्चा इसी गिल्ट, इसी शेम और इसी ब्लेम के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देगा, एंड ही विल नॉट बी एबल टू एन्जॉय हिज लाइफ.
सो डेफिनेटली देयर इज़ क्लिनिकल हेल्प, साइकोलॉजिकल हेल्प अवेलेबल, बच्चे को वो देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि 8, 9, 10 साल, 11 साल तक का बच्चा जो है वो इसको रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा, पेरेंट्स को वो उस तरह से नहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स दे पा रहा, तो आप उसी एज में बच्चे को जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, ताकि वो जैसे ही टीन एज में आए तो उसकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाए और वो अपनी एडल्ट लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सके। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत खुलकर उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते या बता शायद नहीं पाते, पेरेंट्स से अगर वो कभी इस बारे में जिक्र करें तो यू नो पहले वक्त में तो शायद पेरेंट्स इन बातों को बहुत इग्नोर कर दिया करते थे, जो कि जब बड़े हुए उनकी औलादें तो आज टीवी पर आकर उन्होंने यू नो अपने उस चाइल्डहुड ट्रॉमा का जिक्र किया, और उन्होंने उन सब में जो एक बात कॉमन थी जो कि मैंने देखी, और वो ये थी कि हमने अपने पेरेंट्स से कन्वे करने की कोशिश की, उनको बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उस बात को संजीदगी से नहीं लिया। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका बच्चा आपसे इस तरह की बात करना चाह रहा है तो आप उसको सुने। इसमें मैं सारा जो कसूर है वो पेरेंट्स को दूंगी, वो इसलिए कि आप खुद हैं जो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, आप खुद हैं जो अपने बच्चे को सेफ नहीं कर पा रहे। और अगर बच्चा हिम्मत करके आपके पास आ रहा है तो आप डिनाइल में जा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, दिस इज़ योर सिन, दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट, दिस इज़ योर सिन। सो अगर बच्चा कह रहा है तो उसको सुनना चाहिए, और तब तक सुनना चाहिए जब तक वो ये कह दे कि नहीं मामा आई एम ओके, नाउ इट्स गॉन, अब ये नहीं है। हम पेरेंट्स इस वजह से डिनाई करते हैं, या हम तो मैं तो डेफिनेटली कभी भी ना करूँ और आप भी बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जैसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो डिनाई करते हैं, वो इस वजह से कि वो मुआशरे को अपना चेहरा दिखाने में डरते हैं कि दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड विद माई गर्ल और माई बॉय। अगर हो गया है अनफॉर्चुनेटली तो ना ये उसका कसूर था ना ये आपका कसूर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी आगे जो ख़राब होगी वो डेफिनेटली आपका कसूर है, मेरा ख्याल है उसको। अच्छा, माओं को भी शुरू में, चूंकि हर चीज़ का हमारे यहाँ ब्लेम यू नो मदर्स पर चला जाता है ना, कुछ भी होगा बच्चे की ज़िंदगी में, उसके अच्छे ग्रेड्स नहीं आएंगे तो माँ का कसूर है, अगर वो ठीक से खाना नहीं खाएगा तो भी माँ का कसूर है, अगर यू नो एवरीथिंग हर चीज़ का ब्लेम, अगर माँ कुछ अच्छा भी करने जा रही है तब भी उसको कहा जाता है कि आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हो, तो उस टाइम मदर जो है वो कैसे यू नो डील करे इस सारे सिचुएशन में, जब हस्बैंड की तरफ से ही कहा जा रहा है कि नहीं ये तो तुम बहुत वहम कर रही हो या ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हो बच्चे को लेकर, तो क्या करना चाहिए? ये भी आप समझो कि औरत जो है ना उसके अंदर भी बहुत स्ट्रांग इंट्यूटिव पावर होती है, उसको कभी भी आप इग्नोर मत करें। अगर माँ के अंदर किसी के लिए भी कोई भी इंट्यूटिव पावर है, दिस इज़ अ गॉड साइन, सो डोंट इग्नोर इट। और दूसरी चीज़ ये, मुझे लगता है कि हमारी जो औरतें हैं ना वो अपने बच्चों के लिए ज़्यादा स्ट्रेंथ रखती हैं एज़ कम्पेयर टू देयर फादर्स। अगर आपका हस्बैंड या आपका कोई भी मेल सपोर्ट सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, फिर भी आप अपने बच्चों के लिए शेरनी बन जाएं, लायनेस बन जाएं, और अल्टीमेटली मेरा ख्याल है औरत कर सकती है अगर वो करना चाहे तो। ठीक है, अच्छा हमारे स्कूल में इस हवाले से आई एम ग्लैड कि अब जो है वो बाकायदा एक पूरा चैप्टर है उसका, और जो कि यू नो क्लास 1 से लेकर ग्रेड 5 तक के बच्चों को यू नो इस हवाले से अवेयर किया जाता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्कूल्स में ये प्रैक्टिस नहीं की जा रही है। आप क्या समझती हैं कि स्कूल्स में, इन एवरी स्कूल, कौन सी क्लास में यू नो ये बच्चों को इस हवाले से यू नो स्कूल की जिम्मेदारी हो कि वो बच्चों को इस हवाले से समझाएं और बताएं? मेरा ख्याल है पहली चीज़ तो ये, इट शुड बी द पार्ट ऑफ द सिलेबस, करेक्ट, एटलीस्ट वन चैप्टर तो इस पर होना चाहिए जिसमें उनको अवेयरनेस डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखानी चाहिए। बच्चे बड़े शौक से टीवी पे चलती हुई मूवीज़ कार्टून्स देखते हैं, तो अब तो ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज आप बच्चे की एज के हिसाब से बना सकते हैं जिसमें कार्टून फिगर्स जो है उसके थ्रू आप स्टोरी टेलिंग करते हैं और बच्चा जो है उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो किस एज से करना चाहिए? मुझे तो लगता है जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हमारे बच्चे जो हैं वो उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है या एक जो इंटेलिजेंस का लेवल है वो बहुत अर्ली एज में बहुत ज़्यादा है, तो नर्सरी प्रेप का बच्चा भी जो है उसको भी आप ये कार्टून, चूंकि हम ये एक्सरसाइज इस एज से स्टार्ट करेंगे yes. तो ही जब बच्चा बड़ा होगा तो उसके अंदर वो कहते हैं ना रच बस जाना yes. उस बात की अंडरस्टैंडिंग हो जाना, तभी आप देखेंगे। जिस तरह हमें कहते हैं ना बच्चे को हम पहला कलमा कब से सिखाते हैं, बहुत जल्दी, जैसे ही बोलना शुरू करता है अल्लाह बोल लो, पहला कलमा, तो कितनी क्लैरिटी आ जाती है। जब इस चीज़ के लिए आप इतनी यंग एज पे मदद हेल्प करते हो उसकी और उसके ऊपर एफर्ट लगाते हो तो व्हाई नॉट दिस।
थैंक यू सो मच डॉक्टर बिस्माई जहा साहिबा, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और आज का जो टॉपिक था बहुत ही सेंसिटिव था, लेकिन इस पर बात करना बेहद ज़रूरी था गुड और बैड टच के हवाले से। जितना अर्ली हो सके अपने बच्चों को इस हवाले से आप एजुकेट करना शुरू करें, अगर आप समझते हैं कि स्कूल में इस हवाले से कोई कैंपेंस नहीं हो रही हैं। और डॉक्टर साहबा की जो एक बात बड़ी अच्छी लगी कि चाहे कोई भी आपको ओवर प्रोटेक्टिव मदर कहे या कोई भी आपको लेबल करे, लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे के आगे शेरनी बन जाएँ और उसकी ढाल बन जाएँ और उसको हर तरह से प्रोटेक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन प्रोग्राम। प्रोग्राम का नाज़रीन टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।